हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डोडा तस्करों के खिलाफ रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा को मिली सफलता। 110 किलो डोडा पोस्त के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करी के काम में लाए ट्रक को किया जब्त। रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा की मादक पदार्थों के खिलाफ 2021 की पांचवी सफल कार्रवाई। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देश से जेताराम DYSP सुरेश कुमार के सुपरविजन में रायपुर थाना अधिकारी मनोज एक ट्रक से 110 किलोग्राम चूरा के साथ दो डोडा तस्करों को गिरफ्तार किया। रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा मय जाब्ता द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत इस साल लगातार पांचवी बड़ी सफल कार्रवाई रही। पुलिस द्वारा इतला सूचना के दौरान उक्त ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें ट्रक में रखा उक्त 110 किलोग्राम डोडा पोस्त प्लास्टिक के कट्टों में रखा पाया गया। पुलिस द्वारा ट्रक चालक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उक्त दोनों तस्करों ने चित्तौड़गढ़ से डोडा पोस्त खरीद अन्य जगहों पर बेचना कबूला। पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों तस्करों से घनता से पूछताछ जारी, जिससे कि तस्करी के और मामले खुलने के आसार हैं। वहीं जेतारण सर्कल में रायपुर थाना अधिकारी की यह लगातार पांचवी सफल मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई है। गिरफ्तार दोनों डोडा तस्कर जेतारण थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।